हाय गाइस, वेलकम टू चैनल केडी टेक एंड ट्रेंड। और मैं हूँ केडी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक डेल के M1117 वर्सेस लिनोवा 100 द वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो। तो ब्रांड नेम की बात करें तो 100% डेल होगा और लिनोवा। ठीक है, हम चले मॉडल नंबर की। मॉडल नंबर है डेल का KM117 और लेनोवा की बात करें तो है KN100। अब प्राइस की बात करें तो ये एक्चुअली वेरी होता रहता है, लेकिन फ़िलहाल के तो और मैक्सिमम टाइम यही रहता है 1399 डेल का प्राइस है और लेनोवा का 1199। अगर डायमेंशंस की बात करें तो देख लो प्राइस। प्रोडक्ट वेट की बात करें तो डेल का 682 ग्राम होता है और लेनोवा का 710 ग्राम। और अब बात करें मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन की, तो डेल का मैन्युफैक्चर उनमें दिया गया है कि डेल कंप्यूटर है और लेनोवा का मैन्युफैक्चर दिया है लेनोवा। और डेल का कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया दिया गया है और कंट्री ऑफ ओरिजिन चीना, ऐसा दिया गया है। अमेज़ॉन पे चेक किया मैंने। और अगर बात करें एक्स्ट्रा फीचर की, तो डेल ने लिखा है उसमें चिकलेट कीस है और उसका हाइट भी, कीस का हाइट भी थोड़ा ज़्यादा है लेनोवा से कंपेयर करें तो। और लेनोवा ने दावा किया है कि वो वाटर रेजिस्टेंस है, वाटरप्रूफ है और अच्छा खासा देता है। और ये लेफ्ट हैंड राइटली फ्रेंडली है, मतलब एम्बिडेक्सटेरियस बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड राइट मतलब अगर आप लेफ्टी हो, अगर आप राइटी हो, दोनों के आप यूज़ कर सकते हो। बॉक्सिंग एंड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और कुछ बोलने के रहने बॉक्सिंग और फीचर्स क्या है वो सब हम बॉक्सिंग एंड रिव्यू के दौरान देखते हैं। अब पहले डेल से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये वाइट कलर का बॉक्स मिलता है, देख सकते हो आप डेल का। और अब अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे। तीन बैटरी मिलते हैं इधर, एक माउस और एक कीबोर्ड और एक यूएसबी रिसीवर। माउस डेल का माउस देखने चले तो इस प्रकार का होता है। इसमें शेल डालने का होता है, डबल ए बैटरी शेल डालनी पड़ती है इसमें। और इससे हम बैटरी अगर निकालना चाहते तो इसके मदद होगा, हम मतलब ये यूज़ करके हम निकाल सकते हैं बैटरी को। देखो इस तरह निकाल सकते हैं हम बैटरी से। अब डाल देते हैं इसको, कुछ मतलब अच्छा है, मॉडल अच्छा है, अच्छा दिखता है। और इधर ऑन ऑफ बटन है जिससे मतलब बैटरी वेस्ट नहीं होगी, जब चाहे हम ऑन कर सकते, जब चाहे हम ऑफ कर सकते हैं इसको। यह है यूएसबी रिसीवर, इसके ऊपर देख सकते हैं हम डेल लिखा है उधर। ये भी हमें बॉक्स में मिल जाता है और ये दो बैटरी भी हमें बॉक्स में मिल जाते हैं, ड्यूरासेल की है दोनों। मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने 2 महीने एक्चुअली यूज़ किया है डेल को। देख सकते हो चॉकलेट कीस है और हाइट भी कीस का थोड़ा ज़्यादा है लेनोवा से कंपेयर करें तो। हम लेनोवा के भी बाद में दिखाएंगे। अच्छे कीस भी वर्क करते हैं, हमने कंप्यूटर को भी कनेक्ट किया था, हमारे लैपटॉप को भी कनेक्ट किया था, अच्छा वर्क करता है। माउस भी अच्छा वर्क करता है, अच्छा भी मॉडल है ये, बिल्ड इन क्वालिटी अच्छा है, ये सुंदर है, अच्छा है। तो चलो ये हाइट एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, इससे हम हाइट एक्चुअली थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मतलब बहुत बहुत नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, मुझे इसके बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी। अब अनबॉक्सिंग करते हैं लेनोवा की। तो लेट्स स्टार्ट। ये लेनोवा बॉक्स ब्लैक कलर में मिलता है, लेनोवा 100 वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड एंड माउस।
तो चलो अनबॉक्स करेंगे। आप देख सकते हैं एक कीबोर्ड, एक माउस और दो बैटरी मिलते हैं। एक्चुअली डेल में 3 बैटरी लगाने पड़ती है, लेकिन इसमें सिर्फ दो, ये दो सिर्फ दो लगाने पड़ती है, एक माउस पे और एक कीबोर्ड पे। एक बड़ा वाला माउस पे लगाना पड़ता है और छोटा वाला कीबोर्ड में, और एक यूएसबी रिसीवर मिलता है जिसमें लनोवा लिखा रहता है। तो चलो निकालता हूँ प्लास्टिक में। हाँ, तो आप देख सकते हो इधर अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा कीज का हाइट ज़्यादा नहीं होता। अगर माउस की बात करें तो इसमें एक डबल ए बैटरी लगानी पड़ती है, वो भी दिया जाता था, एक्सीड का दिया होता है उन्होंने, उसे हमें लगाना है और इसको डालना है और बस माउस रेडी। नेक्स्ट हमें कीबोर्ड में भी सिर्फ एक ही लगता है बैटरी, ये ट्रिपल ए बैटरी है कीबोर्ड को लिए, और माउस के लिए सिर्फ डबल ए बैटरी, बड़ा वाला माउस के लिए और छोटा वाला कीबोर्ड के लिए लगाना पड़ता है, बस सिर्फ दो लगते हैं इसमें। और इसको मैंने टीवी को भी यूज़ किया हूँ, एंड्रॉयड टीवी है मेरे पास, इसको यूज़ करता हूँ मैं, और कंप्यूटर भी कनेक्ट करके दिया गया है। अच्छा अच्छा है। तो हम देख सकते हैं इसमें इसके अंदर भी डेल के जैसे हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्पिंग मिलती है टाइपिंग में, हमें थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है इसमें। तो कीज़ का हाइट थोड़ा कम है, और इसमें 3 इंडिकेटर मिलते हैं, लेकिन डेल में सिर्फ एक मिलता है। डेल में सिर्फ लो चार्ज लो बैटरी का मिलता है, इसमें लो बैटरी, कैप्स लॉक, नम लॉक, ये तीनों का इंडिकेटर मिल जाता है, मतलब लेड लाइट मिल जाता है। अगर कैप्स लॉक ओपन किया तो हमें पता चल जाता है कि हमने कैप्स लॉक ओपन किया। तो देख कम हाइट थोड़ा कम है कीज़ का, लेकिन अच्छा है ये भी। अगर बिर्थ माउस की बात करेंगे हम लेनोवा की, तो ये अच्छा है माउस डेल से कंपेयर करें तो लुक में, लेकिन फिर भी दोनों अच्छे हैं लुक में। मैंने इसको एंड्रॉयड टीवी को और कंप्यूटर को दो यूज़ करके देखा है, अच्छा है। और ये यूएसबी रिसीवर हमें कंप्यूटर में या किसी डिवाइस में लगाना पड़ता है जिससे हम माउस यूज़ करना चाहते हैं। फाइनल अब विच वन इज़ बेस्ट, मेरे को पूछे तो दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन अगर मतलब इंडिकेटर ये सब चाहिए तो लेनोवा अच्छा है। और लेनोवा में एक और क्वालिटी है वाटर रेजिस्टेंस, ये भी मिल जाता है हमें। बिल्ड क्वालिटी को देखो तो मुझे डेल थोड़ा ज़्यादा पसंद आया, लेकिन दोनों भी अच्छे हैं। डेल मुझे पसंद आया, लेकिन लेनोवा भी अच्छा है। लेनोवा में थोड़ा फीचर्स है अच्छे है। तो आप कोई भी वायरलेस कीबोर्ड चुन सकते हैं, मेरे को दोनों अच्छे लगे। मैं डेल भी अच्छा है, लेनोवा भी अच्छा है। मैं डेल का भी यूज़ करता हूँ, 2 महीने से करता रहा हूँ मैं डेल को 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और लेनोवा को भी यूज़ कर रहा हूँ, दोनों। तो बस हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।